ओके, ये रहे तीन टेक्निक ट्रिक्स एंड घातक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिसको यूज करने के बाद तुम डबल स्नाइपर किंग बन जाओगे। स्पेशली तुम डबल कान 98 को ऐसे चलाओगे सामने वाले बंदे को ग्लू वॉल लगाने के लिए एक सेकंड का टाइम भी नहीं मिलेगा। एंड अभी के टाइम पर तुमको पता होगा कि कितने सारे बंदे डबल कान 98 को यूज कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरे मन में एंड आपके मन में भी डर सा रहता है कि सामने वाले के पास डबल कान 98 तो नहीं है ना। तो चलो फिर किसी बंदे से पूछ के देखते हैं कोई ऑनलाइन है क्या। ठीक है, चलो आर्यन भाई ऑनलाइन है, चलो उनसे पूछते हैं। हेलो आर्यन भाई। हेलो। हाँ भाई। अरे एक हाँ बात, भाई। हाँ भाई अरे एक बात बोलोगे, तुम्हें डर किससे लगता है? भाई, डर तो सिर्फ बंदी से लगता है भाई। तो अरे भाई लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, गेम के बारे में बताओ। फिर भाई डबल कान 98 से डर लगता है भाई। कुछ टिप्स दे दो यार, कान 98 कैसे चलाएं। ओके भाई, ठीक है ठीक है। सो वेलकम बैक अगेन गाइज, मैं हूँ स्ट्रोम शक्ति, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसे धनाधन करके स्नाइपर चलाने के लिए जो मेन ट्रिक काम में आएगी वो है हमारा फर्स्ट ट्रिक जो कि है स्विचिंग टेक्निक। इस ट्रिक को सीखे बिना तुम डबल स्नाइपर को स्पीड से एंड बिना रिलोड के नहीं चला पाओगे। एंड ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको सीखने के लिए तुमको बस 1 2 3 की काउंटिंग आनी चाहिए, बस इतना ही। इस वाली स्विचिंग टेक्निक को आपको कैसे परफॉर्म करना है देख लो। इसमें बेसिकली आपका दो बटन यूज होंगे, एक है आपका मेन फायर बटन एंड दूसरी है आपका गन स्विच का बटन। इन दोनों बटन को यूज करके आपका फायर विथ स्विच होगा। एंड आपको कैसे करना है अभी देख लो। आपको पहले अपना फायर बटन से पहला गोली फायर करना है, देन सेकंड स्टेप में आपको अपना गन स्विच बटन को प्रेस करना है, एंड देन थर्ड स्टेप में आपको फिर से अपना फायर बटन से फायर करना है। आप इस 1 2 3 स्विचिंग टेक्निक को यूज करके स्नाइपर को बिना रिलोड किए लगातार यूज कर पाओगे। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया जो कि है स्नाइपर सेटिंग्स। ओके, एक बात मेरा हमेशा याद रखना, एक रॉन्ग सेटिंग आपका सारा कुछ बिगाड़ सकता है, वो चाहे स्नाइपर का सेटिंग हो या फिर आपका बो वाला सेटिंग। समझ रहे हो। मजा के बाद साइड में, स्नाइपर का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि आपको ऑन कर लेनी चाहिए अगर आप स्नाइपर चलाना चाहते हो। इनफैक्ट अगर पहले से ही स्नाइपर चलाते हो तब भी वो सेटिंग को आपको ऑन कर लेनी चाहिए। एंड वो दो सेटिंग को बताने से पहले एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, क्या कर रहे हो भाई लोग, अभी भी 85% बंदे रेगुलर वीडियो देखते हो एंड कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करना फ्री होता है यार, आपके लिए प्रॉमिस करता हूं, आप जो भी कमेंट करोगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारे फैमिली का एक मेंबर बन जाओ। ओके, अभी बात करते हैं स्नाइपर सेटिंग के बारे में। पहला सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको गेम के सेटिंग पर जाना है, देन आपको कंट्रोल ऑप्शन पर जाना है, देन आपको होल्ड फायर टू स्कोप सेटिंग ऑप्शन को ऑन कर लेना है। उसके बाद आप जब भी स्नाइपर से फायर करोगे आपका स्कोप ऑन होके फायर होगा। एंड उसके बेनिफिट के बारे में मैं आपको आगे जाकर स्नाइपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। हमारा जो नंबर 2 सेटिंग है वो है स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना स्नाइपर का सेंसिटिविटी को हमेशा हाई रखो। इनफैक्ट मैं भी अपना स्नाइपर का सेंसिटिविटी को ऑलवेज 100 पर रखता हूं। उससे क्या होगा चलो तुमको दिखा देता हूं। अगर तुम स्नाइपर स्कोप का स्लाइडर को 0 कर दोगे, देन तुम स्नाइपर से स्कोपिंग करने के बाद तुमको स्कोप को मूव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप जब तक अपना एम को एनिमी के हेड के ऊपर लोगे, एनिमी आपको तब तक मार चुका होगा। एंड अगर आप अपना स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी को हाई रखते हो, देन आपका स्नाइपर का स्कोप बहुत तेजी से मूव कर पाएगा एंड आप स्पीड से एनिमी को टारगेट कर पाओगे। ओके, हमारा जो नंबर 2 ट्रिक है वो है क्राउच बटन का प्लेसमेंट। नॉर्मली सभी बंदों का जो क्राउच बटन होता है वो डिफॉल्ट में राइट साइड पर होता है, एंड होना भी गलत नहीं है। बट अगर आप अपना क्राउच बटन को लेफ्ट साइड पे रखते हो, देन उसका स्नाइपर के साथ तगड़ा बेनिफिट है। नॉर्मली आप स्नाइपर से स्कोपिंग करने के बाद मूवमेंट ना के बराबर कर पाते हो। अगर मूवमेंट करते भी हो सिर्फ एनालॉग से मूवमेंट कर पाओगे, बट उससे एनिमी आपको इजीली मार पाएगा। बट अगर आप अपना क्राउच बटन को लेफ्ट साइड पे रखते हो, देन आप एनिमी से इजीली बच पाओगे। आप स्नाइपर से स्कोपिंग करते हुए भी लेफ्ट फिंगर से सिटअप हो सकते हो क्राउच बटन को प्रेस करके। सुनो, मैं आपको इसका बेनिफिट तो बता दिया, बट सडनली अगर आप क्राउच बटन को छेड़ोगे देन आप सही से गेम नहीं खेल पाओगे। तो ध्यान से पहले प्रैक्टिस करो इसको चेंज करके, एंड आपका हैंड जब सेट हो जाएगा देन जाकर अपना क्राउच बटन को लेफ्ट साइड पर रख लेना। हमारा जो 3 नंबर ट्रिक है वो है गन कॉम्बिनेशन। आप जब भी डबल स्नाइपर चलाते हो, नहीं तो चलाने के लिए सोचते हो, मन में एक मेन डर सा रहता है शॉर्ट रेंज का। अगर शॉर्ट रेंज में एनिमी आ जाता है तो क्या करेंगे? तो वहां पे अगर आप सही गन कम्बो का यूज करोगे देन आपको शॉर्ट रेंज के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप डबल स्नाइपर यूज करते हो, वो चाहे डबल कार 98 के हो या फिर AWM हो या फिर M82 भी हो, आपको वेपन का थर्ड स्लॉट में यूजी गन को यूज करना है। आप यूजी को छोटा MP40 भी बोल सकते हो। यूजी एक ऐसा गन है जो कि आपको शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड अगर आपको यूजी नहीं मिलता है देन आप छोटा शॉर्ट गन M1873 को यूज कर सकते हो। ओके, अभी देखते हैं स्नाइपर के लिए एक ऐसा तगड़ा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिसको यूज करने के बाद आप स्नाइपर किंग बन जाओगे। हमारा स्नाइपर कॉम्बिनेशन का जो मेन एंड प्राइमरी कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा क्रोनो कैरेक्टर। बट शक्ति भाई, क्रोनो ही क्यों, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, वो क्यों नहीं? क्रोनो को यूज करने का फायदा क्या है सुनो।
आप जब भी स्नाइपर से किसी एनिमी को मारोगे उसी टाइम आपका ध्यान गन को स्विचिंग करने में होगा। एंड अगर उसी टाइम और कोई एनिमी आपको पीछे से डैमेज करता है देन आप सडनली उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाओगे, ग्लूअल भी नहीं लगा पाओगे। एंड अगर उसी सिचुएशन में आपके पास क्रोनो कैरेक्टर होगा देन आप क्रोनो का शील्ड को ऑन करके बच पाओगे। एंड स्नाइपर कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा रहेगा वो है मारो कैरेक्टर। मारो कैरेक्टर का एबिलिटी है वो एनिमी को ज्यादा डिस्टेंस पर ज्यादा डैमेज देता है, यानी आपसे एनिमी का डिस्टेंस जब भी बढ़ेगा आपका डैमेज एनिमी के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। एंड मारो का और भी एक एबिलिटी है कि वो मार्क हुआ एनिमी को भी ज्यादा डैमेज देता है। देन स्नाइपर कॉम्बिनेशन का जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगी वो रहेगी मोको कैरेक्टर। मोको को यूज करने का दो फायदा, एक तो वो एनिमी का लोकेशन आपको एंड आपका टीममेट को दिखाएगा, उसके साथ साथ मोको का टैग जब भी शो करेगा आप उसी टाइम एनिमी को अगर मारोगे तो एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा। अभी मत पूछना कि शक्ति भाई कैसे, मारो का एबिलिटी भूल गए क्या, वो मार्क हुआ एनिमी को भी एक्स्ट्रा डैमेज देता है। तो इस कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी हमारे पास मारो कैरेक्टर है, मोको की टैग के साथ अगर आप एनिमी को मारोगे देन आपको एक्स्ट्रा डैमेज देखने को मिलेगा। क्रोनो, मारो एंड मोको के बाद अभी बचता है सिर्फ लास्ट एक स्लॉट जिसमें आप दो कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पहला जो कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो वो है लॉरा कैरेक्टर। अगर आपका स्नाइपर का एक्यूरेसी थोड़ा खराब है देन आप लॉरा कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। लॉरा का एबिलिटी है वो आपको एक्स्ट्रा 35% एक्यूरेसी देता है जब भी आप स्कोप को ऑन करके मारते हो। एंड आपको याद होगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन करने के लिए, उससे आप जब भी फायर करोगे देन आपका स्नाइपर का स्कोप ऑन होके फायर होगा। एंड लॉरा का एबिलिटी स्कोप ऑन करने पर काम करता है। आप लॉरा के प्लेस में और एक कैरेक्टर को यूज कर सकते हो जिसका नाम है रफाइल कैरेक्टर। बात करें रफाइल का एबिलिटी की, उसका तगड़ा एबिलिटी है वो आपका स्नाइपर में ऑटोमेटिकली साइलेंसर लगा देगा। एंड अगर आप स्नाइपर में मजल भी लगाते हो देन आप जब भी फायर करोगे देन साइलेंसर काम करेगा, आपको मजल का डैमेज भी मिलेगा एंड साइलेंसर का तगड़ा बेनिफिट भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही गाइज, अगर हेडशॉट के ऊपर कोई भी डाउट है देन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख लो, एंड अगर कैरेक्टर के ऊपर कोई भी डाउट है देन राइट वाली प्लेलिस्ट को मिस मत करना। और मेरा 30 मिनट पब्लिक पहले 30 मिनट के अंदर जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट करेगा मैं सभी को मेरा हार्ट एंड रिप्लाई दूंगा।